नमस्कार दोस्तों, ट्रक टॉक्स के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टाटा की LPK 407 EX टिपर इस गाड़ी के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टाटा की LPK 407 EX टिपर 2.5 टन पेलोड सेगमेंट में आने वाली टाटा की एक सबसे छोटी टिपर है। दोस्तों, इसका उपयोग माइनिंग, क्वारी इंडस्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट इंडस्ट्री में होता है। दोस्तों, बात करते हैं इस ट्रक की एक शोरूम कीमत की। तो टाटा की LPK 407 EX टिपर आपको 10.5 से 11.5 लाख के एक शोरूम प्राइस में मिल जाएगी। आइए देखते हैं टाटा की LPK 407 टिपर के इंजन के बारे में। तो इस गाड़ी में टाटा का 4 SPCR कॉमन रेल टर्बोचार्ज इंटरकूल 2956 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन PS4 इंजन दिया गया है, जो मैक्सिमम पावर देता है 62.5 किलोवाट की 2800 RPM पे और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1400 से 2400 RPM पे। गियरबॉक्स की बात करें तो इसमें 280 mm का ड्राई सिंगल प्लेट टाइप क्लच दिया गया है टाटा के GVS27 सिंक्रोमेस टाइप 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 90 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक दिया गया है। आइए देखते हैं इस ट्रक के चैसिस, सस्पेंशन और ब्रेक्स के बारे में। तो टाटा की LPK 407 में लैडर फ्रेम चैसिस का उपयोग किया गया है रिफेटेड और बोल्टेड क्रॉस मेंबर्स के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती प्रदान की जाए। ब्रेक्स की बात करें तो इस ट्रक में वैक्यूम असिस्टेड ड्यूल सर्किट हाइड्रोलिक ब्रेक्स का इस्तेमाल किया गया है और पार्किंग ब्रेक इसमें मैकेनिकल केबल ऑपरेटेड है, जो पीछे के पहियों पर काम करता है। सस्पेंशन की बात करें तो आगे वाले एक्सल पर सेमी एलिप्टिकल टाइप लीफ स्प्रिंग सस्पेंशन हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक डबल एक्टिंग शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिया गया है और पीछे वाले एक्सल पर ऑक्सिलरी हेल्पर स्प्रिंग्स के साथ सेमी एलिप्टिकल लीफ स्प्रिंग्स हाइड्रोलिक टेलीस्कोपिक शॉक ऑब्जर्वर्स के साथ दिए गए हैं। आइए देखते हैं टाटा की LPK 407 EX टिपर के कॉम्पिटिटर्स यानी कि प्रतियोगिता के बारे में। तो दोस्तों, टाटा की LPK 407 टिपर मार्केट में मौजूद महिंद्रा की ऑप्टिमो टिपर, स्वराज मजदा लिमिटेड की सम्राट GS टिपर, आयशर की प्रो 1055T इन ट्रकों के साथ मुकाबला करेगी। बात करते हैं इस गाड़ी के वेट्स और डायमेंशन यानी कि वजन और आयाम के बारे में। इस गाड़ी का GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट है 6250 किलो और कंपनी रेटेड पेलोड है 2590 किलो। गाड़ी की कुल लंबाई की बात करें तो वो 16.4 फीट दी गई है। पीछे के डाले यानी कि लोड बॉडी की लंबाई है 10.3 फीट और चौड़ाई है 6.5 फीट। वारंटी की बात करें तो टाटा मोटर्स टाटा की LPK 407 EX टिपर पर 3 लाख या 3 साल की वारंटी देती है। फ्यूल टैंक की बात करें तो इसमें 90 लीटर का डीजल फ्यूल टैंक दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में 12 वोल्ट की बैटरी 75 एम्पियर के अल्टरनेटर के साथ दी गई है। उसी के साथ साथ इस गाड़ी में पावर शेयरिंग का इस्तेमाल किया गया है, ताकि ड्राइवर को गाड़ी चलाने में आसानी हो, और ये गाड़ी 30% के ग्रेडेबिलिटी के साथ आती है। माइलेज की बात करें तो यहाँ के ड्राइवरों की पूछताछ के बाद हमने पता लगाया कि ये गाड़ी 8.5 से 9 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देने में सक्षम है। आइए जानते हैं टाटा की LPK 407 EX टिपर के महत्वपूर्ण फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों, इस ट्रक में आपको बैटरी चार्ज इंडिकेशन लैंप, स्लाइडिंग प्लस रिक्लाइनिंग ड्राइवर सीट, ताकि ड्राइवर अपने हिसाब से सीट एडजस्ट करके ऑप्टिमम ड्राइविंग पोजीशन पा सके। उसी के साथ साथ बॉटल होल्डर्स, ड्राइवर प्लस 2 सीटिंग कैपेसिटी वाला केबिन, विनाइल फैब्रिक वाला सीट मटेरियल, मोल्डेड रूफ लाइनिंग ताकि आकर्षक इंटीरियर्स बने, इंजन बे के लिए लाइट्स ताकि इंजन पर काम हो सके, सीट बेल्ट वार्निंग ड्राइवर सीट के लिए, क्लियर लेंस हेडलैम्प, 12 वोल्ट का चार्जिंग पावर सॉकेट, डिजिटल क्लॉक और रिवर्स गियर के लिए बजर। तो दोस्तों, कैसे लगी ये वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना। तो आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये वीडियो हमने क्यों बनाई। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों से, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट ट्रक है टाटा की LPK 407 टिपर, जो लाल और पीले कलर में आती है। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। तो कैसी लगी आपको वीडियो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। और मैं मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नई धमाकेदार ट्रक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए ट्रक टॉक्स। बाय बाय, जय हिंद।